राधा, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। हमें कुछ नहीं होगा मोहन जी। अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने अकेले गए थे, पर हमारे साथ आप हैं, हमारे मोहन जी, हमारे भगवान। और हमें पता है आप हमें कभी कुछ नहीं होने देंगे। के बिहारी जी, हमारी गुंडर और राधा की रक्षा कीजिएगा। हाँ सासुबा, अरे ये काम राधा नहीं करेगी तो और कौन करेगा? आप सब लोग चिंता मत कीजिए, हमें पूरा विश्वास है कि हमारी राधा हमारी गुनगुन को बाहर निकाल लेगी। गॉड, राधा ने ये क्या कर दिया? अगर राधा के वजह से गुनगुन को कुछ हो गया ना तो मैं जिंदगी भर उसे माफ नहीं करूंगी। संभालो अपने आप को दामिनी, कुछ नहीं होगा हमारी गुनगुन और राधा दोनों को। और ये जो कुछ भी राधा ने किया है ना, वो सिर्फ हमारी गुनगुन को बचाने के लिए किया है। हे प्रभु, हमारी राधा को शक्ति दो कि वो गुनगुन को बचा ले। राधा, जितनी हिम्मत से तुम अंदर गई हो ना, उतनी हिम्मत से गुनगुन को बाहर ले आना। एक तो मुझे नजर आता। डरिए मत गुनगुन, हम आपको बाहर निकालने ही तो आए हैं। मम्मा, वह अभी आई? हाँ, कहाँ जा रही है? हमारे साथ यहाँ खड़ी रह के राधा और गुनगुन का एक साथ मरने का तमाशा तो देखती जा। मम्मा, हृदय ना आसपास कहीं दिख नहीं रहा है, थोड़ी देर में सब पूछने भी लगेंगे। उसकी होने वाली बीवी गड्ढे में गिर गई है, उसका यहाँ होना बहुत जरूरी है। वो ना सांप बनकर मेरे गले में लटक गया है, ना उसे रख सकती हूँ ना फेंक सकती हूँ। आती हूँ मैं। आराम से मोहन। क्या? राधा अब उस बोरवेल में कूद गई है। अब जब वो गड्ढे में गिर गई है तो उसे मरने में कितना समय लगेगा? और अब जब राधा मरने वाली है तो हमारा यहाँ क्या काम? चल हमारे 10 लाख रुपए दे, हम निकलते हैं। तुम लोग यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकते? राधा आउट तो हम आउट। राधा अभी तक आउट नहीं हुई है। जो काम करने आए हो उसे खत्म करके तो जाओ। अगर तुम लोग यहाँ से अचानक चले जाओगे तो बहुत सवाल उठेंगे। चलो मान लो अगर राधा मर भी गई तो अपने होने वाले पत्नी की मैयत पे तुम्हें ही फूट फूट के रोना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारा काम खत्म होगा। अब ये सब डील का पार्ट नहीं था, हमें हमारे पैसे दो और जाने दो, बात खत्म। और वैसे भी अब हम इस सर्कस से बोर हो चुके। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम दोनों यहाँ से चले गए तो शायद लोग मुझ पर भी उंगलियां उठाएंगे। पर ये सब तो आपकी प्रॉब्लम है ना। ओके चलो, हम यहाँ रुक जाते हैं, मगर एक शर्त पर। अब राधा जिए या मरे हमें उससे मतलब नहीं। 10 लाख की जगह 20 लाख चाहिए। 20 लाख? कुछ ज्यादा नहीं हो गया तुम्हारे औकात के हिसाब से? अरे सस्ते में छोड़ रहा हूँ मैडम आपको। एक दाम ने दो काम कर दिया आपके लिए, गुनगुन और राधा दोनों को साफ कर दिया आपके रास्ते से, और क्या चाहिए आपको? तो 20 लाख, हाँ या ना? हाँ। राधा, राधा। बाबू, अभी से क्यों रो रहे हो? राधा अभी तक मरी नहीं है। और बाहर क्यों जा रहे हो? पुलिस वालों ने देख लिया तो? ये पक्का मरवाएगा आज। मोहन, रस्सी छोड़ना मत। अरे यार तुम लोग पीछे जाओ। राधा जी, ने क्या किया हमने? राधा जी, इसे क्या हुआ?
सुनिए, ये आदमी कौन है? राधा का होने वाला पति। हमें जाने दीजिए। आप रोक क्यों रहे हैं? जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए अंदर। पीछे चलो। ओह, पुलिस को चकमा देने के लिए इसने अपने मुंह पर मिट्टी पोत ली। हम जो अपनी राधा रानी से प्रार्थना करने के लिए गए थे कि वो गुनगुन को सही सलामत मार भेजे, और आप खुद ही अंदर चले गए। कम से कम हमारा नहीं तो दादी बाबा का तो सोच नहीं होता राधा जी। बिल्कुल चिंता मत करो तुम हृदय बेटा, जो होगा वो हम सबके लिए अच्छा ही होगा। हमारा मतलब है कि हमारी राधा रानी को कुछ नहीं होगा बेटा। राधा, हम राधा जी को बचाने के लिए जा रहे थे। हम यहाँ हृदय बेटा, हृदय हृदय, हम सब जानते हैं बेटा कि तुम राधा से कितना प्रेम करते हो। नहीं माफ कर, पर जोश में होश मत खो, ऐसा कुछ मत करो जिससे हम लोग और परेशान हो जाए। बेटा हिम्मत रखो बेटा, राधा और गुनगुन दोनों बाहर आ जाएंगे। हमारी राधा जी अंदर है, हमें उन्हें बाहर लाना ही पड़ेगा। बाकी बिहारी जी, हमारी राधा और गुनगुन को कुछ नहीं होने देंगे, बचा लेंगे। मुझे आपके हाथ जोड़ दे, प्लीज हमारी राधा जी को बाहर निकालिए प्लीज। देखिए हम देखते हैं, हमारा बेचारा हृदय तो टूट ही गया। मुझे बहुत डर लग रहा है, एक ना मुझे नजर आता। डरिए मत गुनगुन, हम दोनों यहाँ से बाहर निकलेंगे। सिर्फ राधा ही है जो अपनी जान को खतरे में डालकर मेरी बच्ची को बचा सकती। सिर्फ और सिर्फ राधा ही है जो गुनगुन को बचा सकती है, और कोई नहीं। संभालिए इसे। ये राधा तो सीधा जंप करके गुनगुन के पास ही पहुंच गई है। अगर इसने गुनगुन को बचा लिया तो देखो हृदय, तुम कुछ करो। मुझे तो लगता कि ये राधा गुनगुन को बचाकर ही छोड़ेगी। राधा जी प्लीज, हम आपके बिना नहीं रह सकते। माँ, सर सर सर, मैडम ने बच्ची को बचाने का काम आसान नहीं बल्कि और मुश्किल कर दिया है सर। कैसे? राधा तो गुनगुन के पास पहुंच गई ना, बाहर निकाल लेगी वो उसे। काम आसान किया है उसने। सर एक सेकंड। क्या? क्या हुआ? ये देखिए मैम और बच्ची दोनों एक ही गड्ढे में। मैम ऊपर है, बच्ची नीचे है। मैम चाहकर भी नीचे नहीं जा सकती है। मैम ने कोशिश भी की ना तो वो खुद भी फंस सकती है या तो बच्ची पे नीचे गिर सकती है। सर उनकी जान को खतरा है सर। नहीं नहीं नहीं, बाकी बिहारी जी कुछ कीजिए प्लीज। गुनगुन राधा दोनों को बाहर निकाल दीजिए प्लीज। गुनगुन राधा के नीचे है, अगर राधा ने उसे उठाने की कोशिश की तो गुनगुन और भी नीचे जा सकती है। इनकी बातें मत सुनिए मोहन जी, ना हमें कुछ होगा और ना हम गुनगुन को कुछ होने देंगे। हम दोनों यहां से बाहर निकले। सर देखिए मैम दिल से सोच रही है, दिमाग से नहीं सोच रही है। सर एटलीस्ट आप तो दिमाग से सोचिए, एक और गलती हम दोनों की जान से हाथ धो बैठेंगे सर। नहीं मोहन जी, हम दिल से नहीं सोच रहे, हम दिमाग से ही सोच कर आए हैं। हम आप पर भरोसा करके अपने जीवन की डोर आपके हाथ में देके आए थे। अब आपकी बारी है मोहन जी, आप भी हम पर भरोसा कीजिए।
मोहन जी, आपको आज तक यही पछतावा है ना कि आपको तुलसी जी को बचाने का एक भी मौका नहीं मिला। इस मौके को पछतावे में मत बदलने दीजिए मोहन जी, मत बदलने दीजिए। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है राधा, पर जो ये लोग बोल रहे हैं हमारे पास, गुनगुन के पास मोहन जी हैं। अब सब आपके हाथ में है मोहन जी, हमारी और गुनगुन की जीवन की दूर अब आपके हाथ में है। और हम जानते हैं कि आप हमें मरने नहीं देंगे। हमारे भगवान, हमारे मोहन जी हमारे साथ हैं। कुछ नहीं होगा राधा को, जब तक मोहन है ना, राधा और गुनगुन दोनों को कुछ नहीं होगा। राधा तुम बस गुनगुन को बाहर निकालना, मैं तुम्हारे साथ हूं। राधा सर अभी क्या कर रहे हैं सर? राधा अपनी जान और अपना विश्वास दोनों मेरे हाथों में देकर गई है, ये उसके विश्वास का इम्तिहान है और उसके विश्वास की जीत होगी। राधा मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। राधा बस गुनगुन को निकालना और गुनगुन तुम डरना मत, राधा मोहन तुम्हारे साथ है। गुनगुन अपना पूरा जीवन खतरे में डाल दिया है, उसे व्यर्थ मत जाने देना। वो वैसे भी राधा और मोहन नाम का प्रताप ही कुछ ऐसा है कि साक्षात यमराज भी उसके आड़े नहीं आ सकते। मोहन जी संभालिए अपने आप को पंडित जी, हमारी राधा सही सलामत बाहर आ जाएगी। राधा हम तुम्हें सही सलामत बाहर निकालेंगे। राधा सुना गुनगुन, आपके पापा आपका पूरा परिवार ऊपर आपका इंतजार कर रहे हैं, घर चले। बट कैसे? आप ना हमारा पैर पकड़ लीजिए और ऊपर आने की कोशिश करिए, कोशिश करिए गुनगुन, हो जाएगा। आप बस कमर तक आ जाइए, फिर हम आपको पकड़ लेते हैं। नहीं राधा मुझसे नहीं होगा। कोशिश करिए गुनगुन, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। गुनगुन ट्राई करो गुनगुन, राधा के पैर पकड़ लो तुम। गुनगुन मत, गुनगुन करिए कोशिश। गुनगुन हो जाएगा, गुनगुन कोशिश करिए। शाबाश बेटा, कर सकते हो आप। राधा तुम ठीक हो ना? राधा गुनगुन तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ मोहन जी ठीक है, गुनगुन भी ठीक है। मोहन जी
सर देखिए, बच्ची अगर मैम का पैर पकड़कर ऊपर चढ़ेगी ना तो उसके बाहर से मैम भी नीचे धसेंगे। हो सकता है कि दोनों नीचे गिर जाए। सर उनको बोलिए कि कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। राधा राधा राधा, देखो अगर गुनगुन तुम्हारे पैर पकड़ते हुए फिसल गई ना और अगर तुम गुनगुन के ऊपर गिर गई तो दोनों की जान को खतरा हो सकता है। कोई और तरीका सोचो राधा। राधा कुछ सोचो, राधा कुछ सोचो प्लीज। गुनगुन आप हमारी चोटी पकड़ लीजिए। राधा क्या बोल रही हो? What? हमारी चोटी बहुत मजबूत है, पकड़ लीजिए। राधा ये क्या कर रही हो तुम? सही कह रहे हैं मोहन जी, अगर गुनगुन अपना वजन हमारे पैरों पर रखेंगी तो हम फिसल जाएंगे और इस वक्त गुनगुन को बाहर लाने का बस यही एक तरीका है हमारे पास। अरे राधा तुम्हें चोट लग सकती है। क्या कर रही हो बेटा? गुनगुन जल्दी करिए। मैम पागल हो गई है क्या? उनकी गर्दन टूट सकती है। गुनगुन आप हमारी चोटी पकड़ेंगी ना? राधा प्लीज ऐसा मत करो तुम। नहीं होगा राधा, मुझसे मैं गिर जाऊंगी। जल्दी करिए गुनगुन, बस यही एक रास्ता हमारे पास, बाहर निकलने का जल्दी। ऐसा नहीं कर सकती, मुझ में हिम्मत नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं 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 गुनगुन गुनगुन हमारी बात सुनो। हम ना आपको एक कहानी सुनाते हैं, आपको कहानी सुनना पसंद है ना गुनगुन? कैसी कहानी राधा? जब हम आपकी उम्र के थे ना गुनगुन, तब हम बहुत डरपोक थे। जाने कितनी चीजों से डरते थे हम। अकेले सोने से डरते थे हम, भीड़ में जाने से डरते थे और अंधेरे से तो इतना डरते थे कि रात को बाहर जाना तो दूर, हम घर के ऊपर वाले कमरे तक में भी नहीं जा पाते थे, बहुत अंधेरा होता था ना वहां। इसलिए एक दिन ना हमारी दादी उसी कमरे में काम कर रही थी, काम करते करते उनका पैर फिसल गया और वो गिर गई, और गिरी भी तो ऐसे गिरी कि उठ ही नहीं पा रही थी। वो जोर जोर से हमारा नाम पुकारने लगी, हमें मदद के लिए बुलाने लगी, पर हम उस कमरे में जाने से इतना डर रहे थे कि हमारे तो पैर ही नहीं उठ रहे थे। पर पता है गुनगुन, जीवन में ना कभी अपने डर से जीतने का ना सबको एक ना एक मौका जरूर मिलता है। मैम ये क्या कहानी वहानी सुनाने लगी? इतना टाइम नहीं है हमारे पास, बस हमें जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। उनको कहिए कि मोटिवेट करने का कोई और रास्ता खोजे। हम अचानक कुछ कहने लगे। पता है क्या, डरती जा पर करती जा। ऐसा लगा जैसे बाके बिहारी जी ने हमारे अंदर हिम्मत ही डाल दी। धीरे धीरे हमारे पैर उठने लगे और उस कमरे तक बढ़ने लगे, और आखिर में हम उस कमरे तक पहुंच भी गए और अपनी दादी की मदद भी कर ली। पता है कैसे? कैसे? क्योंकि जितना डर हमें उस अंधेरे से लग रहा था ना, उससे काफी ज्यादा प्यार हम अपनी दादी और अपने परिवार से करते हैं गुनगुन। हमारा परिवार ही तो है जो हमें जीतने की शक्ति देता है। और गुनगुन आज आपको मौका मिला है अपने डर से जीतने का। आपका पूरा परिवार, आपके पापा, छोटी काकी जी और सब आपको ऊपर इंतजार कर रहे हैं गुनगुन, सब ऊपर इंतजार कर रहे हैं। आपके बिना कोई नहीं जीत पाएगा गुनगुन।
हमारे साथ बोली, डरती जा पर करती जा। डरती जा पर करती जा, करती जा। चलिए हमारे साथ बोली, डरती जा पर करती जा। बोलिए, डरती जा पर करती जा। हमने कहा था ना गुनगुन, ये बोलने से हिम्मत आ जाती है। अब चलिए हमारी चोटी पकड़ लीजिए और ऊपर आ जाइए। नहीं नहीं राधा, मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हारी चोटी पकड़ूंगी तो तुम्हें बहुत दर्द होगा। गुनगुन नहीं होगा, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। बचपन में ना हमारी दादी ने हमें खूब सारा घी दूध पिलाया, इतने काजू बादाम खिलाए कि हमारी चोटी कितनी भी खिंच जाए हमें दर्द ही नहीं होता। जल्दी ऊपर आइए, हम उल्टा घूम रहे हैं, हमारी चोटी पकड़ के जल्दी ऊपर आ जाए। मैम ने तो कमाल कर दिया, यही है राधा का तरीका। जल्दी गुनगुन चोटी पकड़ लीजिए। मैं तुम्हारी चोटी पकड़ूंगी तो तुम्हें बहुत दर्द होगा। नहीं होगा गुनगुन, जल्दी चोटी पकड़िए और ऊपर आ जाइए। लीजिए, डरती जाकर करती जा, डरती जाकर करती जा, डरती जाकर करती जा, डरती जाकर करती जा। Radha!